हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आपदा प्रबंधन क्या है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मनुष्य के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचे, इसे ही प्राकृतिक आपदा कहते हैं। सदियों से प्राकृतिक आपदा मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती दे रही है। विश्व के किसी भी देश में प्रायः बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, सुनामी, चक्रवात की घटना होती रहती है। इन घटनाओं से बचने के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं, इसे ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। जंगलों में आग, बाढ़, हिमस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती हैं। वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ये मनुष्यों के मनमानी का ही नतीजा है। इन आपदाओं को ईश्वर का प्रकोप या गुस्सा भी कहते हैं। दोस्तों आगे जान लेते हैं। आज मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए वनों, जंगलों, मैदानों, पहाड़ों, खनिज पदार्थों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाएं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी हैं। प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए। ऐसी आपदाओं के कारण भारी मात्रा में जनधन की हानि होती है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।